नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। आज एक समस्या जो चल रही है कि महिलाओं के स्तन बहुत ढीले हो जाते हैं, दो तीन बच्चे होने के बाद, ये एबॉर्शन होने के बाद योनि भी ढीली हो जाती है, दांत हिलने लगते हैं, दांत कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसे कई एक समस्या होती है जिसका निदान, कई समस्याओं का निदान एक फल में छुपा हुआ है। आजकल मैं देखती हूँ रिपोर्ट में यूरिन में पस सेल्स बहुत आते हैं, ये भी एक आम समस्या है, वो भी एक ही फल से ठीक हो सकती है। कई बार तो ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं होता है, पर ये संभव है, ये आयुर्वेद है, ये बहुत महान विज्ञान है। आज मैं आपको मांजू फल के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि मांजू फल क्या होता है और इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, नीडर होकर आप इसका प्रयोग करें, मन में संशय ना रखें, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। देखिए, इस फल को कई नामों से जाना जाता है, आप इसको गौर से देखिए। माय फल बोलते हैं, मांजू फल बोलते हैं, जनरली इसको मांजू फल या माय फल के नाम से जाना जाता है। इसकी एक विशेषता होती है कि इस फल में, हर एक फल में एक छिद्र होता है। ये देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ये एक छिद्र होता है, ये छिद्र एक कीड़े द्वारा बनाया जाता है। एक छिद्र होता है, एक ही होता है, दूसरी तरफ से नहीं होता है। ये हो गया है मांजू फल। ये तो भारत में कई जगह होता है, खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जंगलों में तो मैंने काफ़ी इसके वृक्ष देखी हूँ। और यही इसका छोटा रूप है, ये छोटे मांजू फल है, इसमें छेद नहीं होते हैं, बिना छेदा हुआ हम उत्तम मानते हैं मांजू फल को। मांजू फल को आप करीब पाव भर, आधा किलो बाज़ार से खरीद लाएं और ये मिक्सर में आसानी से पिसा जाता है, ऐसा चूर्ण बना लें, ये महीन चूर्ण है, ऐसा चूर्ण बना के आप कपड़े से छान लें या मैदे की चलनी से छान लें। पहले तो मैं बताती हूँ कि मूत्र में पस सेल्स, अधिकतर पस सेल्स आते हैं, बहुत सारे सब लोग जानते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ये पस सेल 15-20 दिन में रिपोर्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। 20-25 दिन तक लगातार सेवन करने से आपके पस सेल्स कम हो जाएंगे शरीर से, ये मूत्र वाहिनी पर काम अच्छा करता है। इसको लेना कैसे है, इसको जो दूध होता है गर्म करके, कच्चा दूध तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि कच्चा दूध पिए आप, कुछ बैक्टीरिया उसमें रहते हैं। अपना जो सादा दूध होता है तपा के ठंडा किया हुआ, उसमें आधा दूध आधा पानी, चाहे अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो थोड़ा सा उसमें शहद डाल लें, और आधा चम्मच, आधा चम्मच आप जानते हैं अंदाज से, कम ज़्यादा भी हो तो नुकसान नहीं है, छोटा चम्मच है तो आधा, बड़ा चम्मच है तो एक चम्मच, उसमें आप घोल लीजिए दूध की लस्सी में, दूध की लस्सी में इसको मिक्स कर लें, अच्छा ऊपर नीचे कर लें, और इस लस्सी को आप सुबह सुबह खाली पेट पिएं 20-25 दिन तक। उसके 3 घंटे तक आप कुछ ना लें, थोड़ा चाय लिक्विड थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लें। इससे 8-15 दिन में ही, 20 दिन में ही आपके पस सेल्स में कमी आ जाएगी या पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी। एक तो ये रहा मूत्र। अब जिसके दांत हिलते हैं, दर्द करते हैं, ठंडा गर्म लगता है, दांतों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखिए, डेंटल महंगा भी बहुत हो गया है, ज़रा ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी सी चीज़ों पे इतना पैसा देना होता है, क्या बताएं। इसको हम गंडूस यानी गरारे करना, गंडूस यानी कुलना करना भी बोलते हैं, कफ गंडूस। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आधा लीटर या एक गिलास करीब पानी लें, उसमें एक चम्मच मांजू फल का चूर्ण डाल दें, एक चम्मच मांजू फल का चूर्ण डालें और उससे गरारे करें, खूब अच्छा कुलना कर करके थूकते जाएं, कुलना कर करके थूकते जाएं। बहुत ही सस्ती चीज़ है, दांत इतने मजबूत हो जाते हैं। हमारे यहाँ पहले डिलीवरी में जो जच्चा होती थी उसे मांजू फल का मंजन कराया जाता था, क्योंकि कमजोरी बस दांत में दर्द होता था। खैर वो बात नहीं, आप किसी को भी ये दांतों जिसके हिलते हैं, पायरिया हो किसी भी तरह का, तो आप दांतों का गरारे करें, ब्रश करने के बाद इसको उबाल के रख लें, एक गिलास ले जाएं और उससे गरारे करें मांजू फल के पानी से, कफ गंडूस करना चाहिए।
इससे एक फायदा और होता है कि कई बार दांतों में बहुत बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि सामने वाला परेशान हो जाता है, स्वयं को तो नहीं आती, दूसरे को बहुत आती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। उसे भी सलाह दीजिए कि आप मांजू फल से गरारे करें तो दुर्गंध उसकी भी जाती है। कई बार शरीर में से भी दुर्गंध आती है, मैंने बताई थी, तो इसका जो पाउडर होता है महीन चना हुआ, उसको पूरे शरीर पर पाउडर के जैसा छिड़क के फिर वस्त्र पहन ले तो शरीर की जो हार्मोन्स की गंध होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसका एक और फायदा, हालांकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, महिला हूँ तो बताना तो चाहिए, स्तन बहुत ढीले हो जाते हैं एक उम्र के बाद। कई बार कन्याओं के, लड़कियों के भी स्तन बहुत ढीले हो जाते हैं, बड़ी डरी सहमी सी मेरे पास आती हैं कि मैडम बहुत स्तन ढीले हो गए हैं। इसको करना क्या है, मांजू फल के बारीक चूर्ण को शहद में आप अच्छा पेस्ट बना लें और मसाज करें स्तन के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-10 मिनट, बहुत ताकत से नहीं, फेदर टच यानी बहुत हल्के हाथों से मसाज करें और फिर धो लें, थोड़े ही दिनों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। किसी भी उम्र की महिलाएं कर सकती हैं इसका। लिए एक और है लेकिन बताने में थोड़ी झिझक हो रही है, यूनि बहुत ढीली हो जाती है। पहले दाइयाँ बहुत होशियार हुआ करती थी, दाई माँ, आजकल दाइयाँ नहीं रही है, डिलीवरी घर में होती नहीं है, डॉक्टरों की होती है, सीजर हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें परंपरा टूट सी जा रही है। ये जो फार्मूला है ये बहुत सर्तिया फार्मूला है, शास्त्रोक्त बात करती हूँ मैं, ग्रंथों की बात करती हूँ, अपनी तरफ से नहीं बात करती हूँ, कुछ अनुभव के आधार से बात करती हूँ, वो बात अलग है। इसका आप 1/4 चम्मच मांजू फल ले लें, उसमें शहद मिला लें और उसका एक कपड़े में उसकी पोटली बना लें, पतले महीन कपड़े में, और योनि में रखें। कुछ दिनों के बाद योनि फिर से पूर्ण अपनी अवस्था में आ जाती है। ये सर्दियाँ है, करीब 30-40 सालों से मैं रिजल्ट ले रही हूँ। महिलाएँ खूब, पहले नगर वधुएँ या सेक्स वर्कर्स ये सब करती थी, अब ये परंपरा हम भूलते जा रहे हैं, तो इस परंपराओं को फिर से जीवित करें। मांजू फल बहुत सस्ती चीज़ है, मुश्किल से 400-500, मतलब 300 से 500 के रेंज में ही आपको मिल जाएगा, किलो का भाव बता रही हूँ, बहुत महंगी चीज़ नहीं है। इसके औषधीय गुण इतने अपरंपार हैं कि एक वीडियो कम है, इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं ये, एक फल और कई बीमारियों पर इसका इलाज। आप दांतों को कड़क कर सकते हैं, यूरिन का पस कम कर सकते हैं, शरीर की दुर्गंध कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, मांजू फल को हम बाल काला करने के लिए भी उपयोग में लाते हैं, इससे केस काले हो जाते हैं, रसायन बनते हैं इसके काफ़ी, जिसको हम खिजाब भी बोलते हैं, मांजू फल से बनते हैं। मांजू फल अति उत्तम औषधि है, आप इसका प्रयोग करें और ज़रूर करें, छोटी मोटी चीज़ों में इसका प्रयोग करें और देखें रिजल्ट, आपका लाखों रुपये बच जाएगा। कई बार मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि जिनके लाखों रुपए के ऑपरेशन होना तय है लेकिन इन जड़ी बूटियों से ठीक हो जाते हैं, और बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान जब रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है या ट्यूमर गल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है बहुत अंदर से कि कितना महान है मेरा आयुर्वेद। और आपको अगले वीडियो से और किसी वनस्पति से मैं आपका परिचय कराऊँगी। धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे, यही मेरी शुभकामना है।